अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज एक और नई वीडियो के साथ अलासिम सोलर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो जो है वो जिनको के एन टाइप और पी टाइप पैनल के बारे में है। जो जिनको का जो है सबसे पहले जो कैटेगरी आई वो जो है ये जो मार्केट में आमतौर पर चल रही है वो टाइगर प्रो जो है वो चल रही है, जो 10+ बार के अंदर है। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं इसकी जो नई टेक्नोलॉजी आई है 16+ बार के अंदर जो है वो टाइगर न्यू जो है 580 वाट के अंदर एन टाइप में। तो आज इनकी बात करेंगे और देखते हैं इनमें क्या डिफरेंशिएशन इन्होंने की है और इसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम इसके वोल्टेज देख लेते हैं और ये आप फिज़िकली डायमेंशन देख सकते हैं इसकी। ये हमारे पास जो है एन टाइप का पैनल है जिनको का। इससे सबसे बड़ी निशानी जो है यहाँ पर आप ओरिजिनल होने की देख सकते हैं। जिनको के बॉक्स पर भी जो है वो आपको जिनको प्रिंट मिल रहा है यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो है आपको इसके जो MC4 कनेक्टर है इसके ऊपर भी जिनको प्रिंट मिलता है। उसके साथ साथ सीरियल नंबर के थ्रू भी आप इसको स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हैं। जिनको का एन टाइप जो पैनल है आप ये देख सकते हैं 580 वाट के अंदर है और इसकी जो वोल्टेज है वो 42 है और एम्पीयर जो है वो 13.69। और इसके साथ साथ जो है आपको जो है पी टाइप को दिखाता हूँ पैनल। जो पी टाइप का पैनल है हमारे पास ये 555 वाट के अंदर इसके जो वोल्ट हैं वो 40 वोल्ट और 13 एम्पीयर हैं। अब इनकी हम एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं और इनकी एनुअली डिक्रीजिंग वैल्यू की बात कर लेते हैं, कितने परसेंट एफिशिएंसी आती है और इसमें बेहतर क्वालिटी किसकी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये पी टाइप का पैनल मौजूद है और यहाँ पर जो है ये न्यू कैटेगरी का एन टाइप का मॉड्यूल मौजूद है। जिस तरह की आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों की डाटा शीट मौजूद है। यहाँ पर जो है ये टाइगर न्यू में एन टाइप है और टाइगर प्रो में जो है वो पी टाइप मॉड्यूल था, जो 540 से 560 की रेंज में आता था। अब जो है एन टाइप जो है 565 से 585 वाट तक की रेटिंग पावर के अंदर है। और इसकी हम अगर एफिशिएंसी की बात कर लें मॉड्यूल की, तो एन टाइप की जो एफिशिएंसी है वो पी टाइप से काफ़ी बेहतर है और ये 10+ बार के अंदर है, ये हमें 16+ बार में देखने को मिलता है। देख सकते हैं इसकी जो एनुअल डिग्रेडेशन है वो 0.40% है एन टाइप की, और पी टाइप की जो है वो 0.55% है, यानी कि 0.15% इसकी जो है डिग्रेडेशन जो है पावर की एनुअली वो कम है। इसके अलावा और आप इसके मज़ीद फीचर्स देख सकते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने इन्हांस की है। इसके अंदर जो है हॉट 2.0 का जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इसकी रिलायबिलिटी, इसकी पावर, इसकी जो लाइफ है वो एन टाइप की पी टाइप की नस्बत एन टाइप की ज़्यादा है। जो हमारे पास न्यू मॉडल जो लॉन्च हुआ है जिनको का, जिसकी एफिशिएंसी 22.45% सेल की एफिशिएंसी है, और इसमें अगर हम पी टाइप में चले जाएं, तो इसकी एफिशिएंसी हमें 21.68% एफिशिएंसी सेल की मिलती है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ये एन टाइप न्यू सीरीज़ जिनको ने लॉन्च किया है इसकी एफिशिएंसी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, और सेम तकरीबन आपको फ्रेम के अंदर एक ही डायमेंशन के अंदर आपको ज़्यादा रेटिंग के पावर के पैनल मौजूद हो जाएंगे और आपकी स्पेस भी बचेगी। और एन टाइप की जो है एफिशिएंसी बहुत ज़बरदस्त है और 585 वाट तक ये मार्केट में अवेलेबल है। मज़ीद इंशाल्लाह आने वाली दिनों में हम इसकी जो है प्रॉपर टेस्टिंग भी करेंगे, लोड पे दोनों की एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे, कौन सी एफिशिएंसी में बेहतर है और क्या हमें रिजल्ट दे रही है। मज़ीद इस तरह के टेक्निकल और नॉलेज वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें।